हेलो दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आकाश और आज हम एक बेहद ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अ सॉवरेन बॉडी। तो दोस्तों, ये टॉपिक को शुरू करने से पहले ये जान के लेना बेहद ज़रूरी है कि सॉवरनिटी इस शब्द का अर्थ होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी मैं कहता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन सॉवरेन है तो इसका ये मतलब होता है कि वो इंस्टीट्यूशन अपने खुद के डिसीजंस खुद लेती है, बाकी कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति उस इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट या फोर्स नहीं कर सकता कि आप ऐसे ही डिसीजंस लो। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं सॉवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट तो इसका ये मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ठीक है, इट इज सुप्रीम फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो पार्लियामेंट है आपकी वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से ऊंचे स्तर पर है और वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के कोई भी डायरेक्शंस को नहीं मानेगी या नहीं मानती। ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन है ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरनिटी ये आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक कम्प्लीटली सॉवरेन बॉडी है। ठीक है, और जब भी मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट सॉवरेन है इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट पे कोई पाबंदी नहीं है, देर आर नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है, उसकी अथॉरिटी के ऊपर और उसकी ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां नहीं है। ठीक है, ये मतलब होता है पार्लियामेंट्री सॉवरनिटी का या सॉवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट का। तो दोस्तों, क्या भारत के केस में क्या हमारी पार्लियामेंट एक कम्प्लीटली सॉवरेन बॉडी है? दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज बेस्ड अपॉन अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस मतलब जो पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म रखते हैं। इसके लिए ना हमारे सिस्टम में ना पार्लियामेंट सॉवरन है ना जुडिशरी सुप्रीम है। रादर हम बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में देर इज अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो चलो दोस्तों, जान के लेते हैं कि ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसके वजह से इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं कहलाता। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि जो भी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर जो भी पार्लियामेंट के पावर्स हैं, जो भी पार्लियामेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन है, वो सारे लिखे गए हैं और पार्लियामेंट को उन्हीं ज्यूरिसडिक्शंस में उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपना काम करना होता है। ठीक है, तो वो अपना ज्यूरिसडिक्शन छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकती, उसे अपने ज्यूरिसडिक्शन में रहकर ही अपना काम करना होगा। ये मतलब होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा होता है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13, जिससे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट उभरता है। अब ये जुडिशियल रिव्यू दोस्तों होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी अज्यूम कि पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ बनाया है। ठीक है, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है। अब जब पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया है तो क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, ये चेक करने की पावर हमारे संविधान ने जुडिशरी को दे रखी है। तो जुडिशरी जो है वो चेक करती है कि क्या ये पर्टिकुलर लॉ वैलिड है या नहीं है। अगर जुडिशरी को लगे कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो वैलिड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो जुडिशरी उस लॉ को वहीं पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, जिससे वो लॉ कभी भी फोर्स में नहीं आता है। राइट, तो पार्लियामेंट कल जाके ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन आ गया पार्लियामेंट के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं Part 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है दोस्तों? पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे वो लोगों से अपने उनके फंडामेंटल राइट्स छीन ले। ये पार्लियामेंट के ऊपर एक पाबंदी है कि वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऐसे कोई भी लॉ, ऐसे कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे वो लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन ले। इसके अलावा हमारे पास एक सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है।
फेडरल सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ये होता है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो कुछ स्तरों के ऊपर बढ़ जाती है। डिवीजन ऑफ पावर को फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो भारत के केस में हमारे पास एक सेवेंथ शेड्यूल है। सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट का वर्णन किया गया है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट से उसी के ऊपर नियम बना सकती है, उसी के ऊपर लॉ बना सकती है, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ नहीं बना सकती। तो एक प्रकार से पार्लियामेंट की जो पावर है वो रेस्ट्रिक्ट की गई है कि आप सिर्फ यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर लॉ बनाइए। तो दोस्तों इन फीचर्स की वजह से पार्लियामेंट की पावर के ऊपर एक रोक से लग गई है और जुडिशियल रिव्यू के मैकेनिज्म की वजह से एक चेक एंड बैलेंस होता है कि क्या पार्लियामेंट अपने लिमिट्स में रह के अपनी लॉ बना रही है या नहीं बना रही। इसके लिए दोस्तों इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। जाते जाते मैं आपको सुपर कोचिंग के बारे में बताना चाहूँगा। तो सुपर कोचिंग इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अ सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट हु इज इन सर्च ऑफ परफेक्ट स्टडी नोट्स, परफेक्ट मॉक टेस्ट and who is in search of teachers who can quickly resolve their doubts. So in one subscription you'll get access to study notes, quick doubt resolution and also mock test. Apart from that you have access to daily live classes by our expert teachers, and all this you're going to get in only rupees 2500 per month. But if you're using my coupon code Akash20, you'll get a 20% discount on this 2500, which means that this entire course will now be available at rupees 2000 per month only. Okay, so please subscribe to this course to get access to a plethora of study materials. Till then guys, thank you so much, and for more such informative videos keep watching Super IAS. Thank you.